आईटी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन से रोल बदलेंगे, नहीं जाएंगी नौकरियां। टेक सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनियों में होने वाले 100 कामों में सिर्फ 7 काम ही रोबोट के जरिए किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए आने वाले समय में देश की आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में ज्यादा नौकरियों के खत्म होने के आसार नहीं है। अलग अलग काम में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन तकनीक के इस्तेमाल से क्रिएट हुए है। जीएसटी में क्यों नहीं हो सकता फेसलेस असेसमेंट? डायरेक्ट टैक्स कोर टॉक्स फोर्स की सिफारिश के बाद सरकार अब पूरे देश में इनकम टैक्स रिटर्न्स का फेसलेस असेसमेंट शुरू करने की तैयारी में है। इसका मकसद टैक्स रिटर्न्स की जांच में इंसानी दखल, उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की आशंका को खत्म करना है। यानी तकनीक आधारित एक सेंट्रलाइज असेसमेंट सिस्टम बनेगा, जहां टैक्स पेयर और असेसिंग ऑफिसर एक दूसरे को न जानते हो। तेजी के साथ बाजार सेक्सेस और निफ्टी दोनों में उछाल। कारोबारी सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ खुला। बीएसपी के 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेक्सेस 154.62 अंकों की तेजी के साथ 36,799.04 पर खुला। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 कंपनियों की शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 35.90 अंक मजबूत होकर 10,883.80 पर खुला। ज्यादा डिविडेंड यील्ड के बावजूद सीआईएल में बनी रह सकती कमजोरी। जिन निवेशकों की दिलचस्पी केवल ज्यादा डिविडेंड यील्ड पाने में है, उन्हें देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया की शेयर खरीदने पर विचार करना चाहिए। भारी भरकम कैश रिजर्व के साथ लगातार डिविडेंड पार्टी आ रही कंपनी के शेयरों के दाम ने कुछ साल से गिरावट का रुझान बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी एनर्जी के कम कार्बन एमिशन वाले स्रोतों में बढ़ रही है। MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS India डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।